देखिए, आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सोलापुर शहर व जिला की जानिब से हम लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब को एक निवेदन देने के लिए आए थे। तो उसमें वो निवेदन का यही सब्जेक्ट था, जैसे कि आपने पूछे कि कल हम सबको पता है, जिसे हम एक काला दिन मान सकते हैं और उसी का निषेध करने के लिए हम सब पार्टी के मेम्बरान ने काली पट्टियाँ भी बांधे हुए। तो जैसे कि पता चला कि कल औरंगाबाद के खासदार माननीय इम्तियाज़ जलील साहब शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ के लोगों के साथ, जिन्होंने अपने पैसे गवाए हैं, पैसे ही नहीं अपना भविष्य गवाया है, जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में उन्होंने अपने पैसे रखे थे और वो पद संस्था जो है 202 करोड़ रुपए का घोटाला करके भाग चुके हैं। तो इसी का मांग करने के लिए, उनके पैसे वापस दिलाने के लिए आमदार खासदार इम्तियाज़ जलील साहब शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पर अपना जो भी निषेध कर रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल पुलिस प्रशासन की तरफ से, जैसे कि खासदार साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें भी सुना जा रहा है कि 17 पुलिस स्टेशन के PI वहाँ पर बुलाए गए थे। तो 17 पुलिस स्टेशन के PI, एक जो पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहा है और वो भी जो इस देश के खासदार है, MP उनकी सदारत में हो रहा है, उसको रोकने के लिए 17 PI और तमाम पुलिस फोर्स आकर वहाँ पर लाठीचार्ज करती है और आंसू गैस छोड़ती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है और इसको जितना भी इसका निषेध किया जाए वो कम है। तो हमारी मांग यही थी कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के साथ जो भी हुआ है, इसके पीछे जो भी अधिकारियों ने इसका आदेश दिया था, ये जो ऑर्डर्स दिए थे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जो दोषी पुलिस वाले हैं जिन्होंने ये चीज़ किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग ने ये भी मांग की है कि जो भी वहाँ पे लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं जिनके पैसे वहाँ पर डूब चुके हैं, ये आदर्श वालों की बहुत सारी ज़मीन प्रॉपर्टीज़ है, अब तो सरकार उसको अपने ताबे में ले और इन लोगों को उनके पैसे वापस दे। मैं बोलना चाहूँगा कि सरकार को अगर सही मायनों में कर्ज माफ़ी करना है और कुछ करना है तो ये अमीर लोगों का करके, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का लाखों करोड़ों का लोन माफ़ करके, ये लोग जनता का दिल नहीं जीत सकते। हो सकता है कि बड़े बड़े लोगों का दिल जीत सकते हैं, लेकिन अगर सही में सरकार जनता की है तो जनता के लिए काम करे, ना कि लाखों करोड़ों का ये ऐसे ही बजट का ऐलान करे और उसको वो करे। लेकिन जनता अगर त्रस्त है तो आप कितना भी अच्छा बजट निकाल लो, फंड दे दो, तो आपका कुछ काम नहीं आने वाला। पुलिस होने